मैं आपका अपना छोटा भाई दादा ठाकुर, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं बताऊंगा YouTube थंबनेल कैसे बनाएं। आप चाहें तो PC में बनाना चाहते हैं तो इसे क्रोम ब्राउजर पे ओपन करके एक साइट है उससे बना सकते हैं, और अगर आप स्मार्टफोन में बनाते हैं तो उसका एक ऐप है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा, और उस ऐप की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको मैं एक एग्जांपल के लिए एक यूट्यूब थंबनेल बनाकर दिखाऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। आपको यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है कैनवा। ये मैंने डाउनलोड कर रखा है, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। अगर आप को ये मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। तो इसे ओपन किया है मैंने। अब हमें यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो हम यहाँ सर्च में लिखेंगे यहाँ यूट्यूब थंबनेल, देखो शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आप टेम्पलेट्स में से कुछ भी यूज करना चाहते हैं, कोई भी टेम्पलेट्स, ये बट हम ब्लैंक लेंगे, हम ब्लैंक पे बनाएंगे। एक बार क्लिक करेंगे इस पर, ये फिर टेम्पलेट शो करेगा, बट हम इसे स्क्रॉल डाउन कर देंगे। तो एक बार क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर कलर देंगे इसे, कोई भी कलर दे सकते हैं जो भी आपके पसंद हो। मैं इसे एक सादा सा कलर दे रहा हूँ। अब हम किसके लिए बना रहे हैं थंबनेल? यूट्यूब के लिए। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे हाउ टू क्रिएट थंबनेल, बट उससे पहले हम कुछ इसमें ये दे देते हैं शेप्स, शेप्स देते हैं, शेप्स का कलर दे देते हैं येलो, और इसे फिर हम शेप्स को सही से करते हैं यहाँ पे क्रिएट के लिए, जिसमें हमें अपनी टेक्स्ट लिखना है। तो ये यहाँ पे ले लेंगे ऐसे, ये फिर यहाँ पे हम लिखते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, साइड में टेक्स्ट में, फिर यहाँ पे ऐड ए हेडिंग दिख रही है तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, फिर आपको ये बैक स्पेस वाला बटन क्लिक करना है। एक बार जो भी हमें लिखना है वो लिखेंगे यहाँ हाउ टू क्रिएट, इतना ही लिखूंगा मैं अभी, और यहाँ पे से थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसे बीच में ला के रख देंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे, एक बार क्लिक करेंगे इस पर, और फॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं, इसे रेड ले देते हैं। तो ये हो गया। अब हमको थोड़ा सही सा बनाना है तो इसके लिए शेप्स में से यहाँ पे आएंगे, फिर हम एलिमेंट्स में, तो हम इसे 3D की टाइप में बनाएंगे। आप थोड़ा देखें और ये ऊपर की तरफ रोल लेंगे यहाँ पे, और इसका कलर चेंज कर देंगे, इसका इसका भी येलो कर देंगे। ये यहाँ हो गया, या फिर ऐसे कर देते हैं यहाँ पे, और एक और यहीं पे शेप लेंगे, एक यहाँ से भी फिर लाइन लेंगे, इसको भी यहाँ पे सही से बनाएंगे, इसको भी घुमा कर। ये मैं बना रहा हूँ, आपको बना के दिखा रहा हूँ, आप जैसा बनाना चाहें आप वैसा बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे यहाँ पे, आपको अब ये दिख रहा है एक। अब हम इसमें एक टेक्स्ट लिखेंगे YouTube थंबनेल, तो हम इसमें यूज करेंगे एड ए सब हेडिंग वाला, तो इसमें हम लिखेंगे यूट्यूब थंबनेल, थंबनेल, और फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे। ये छोटा लग रहा है तो इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, और यहाँ पे इसके फॉन्ट का कलर भी चेंज कर देते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ा और किसके साथ बना रहे हैं वो भी लिखते हैं। देखो यहाँ पे विथ कैनवा, इसका भी कलर चेंज कर
बता देगी। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि फ़ोटो लगाना चाहें तो आप फ़ोटो भी लगा सकते हैं, पर मैं फ़ोटो नहीं लगाऊंगा यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पे एक शेप लूँगा, ये वाले, और जैसे डाउन करके फिर छोटा करूँगा। मैं सिर्फ आपको एक बनाना सिखा रहा हूँ। बराबर देखिएगा, आपको लाइनिंग दिख रही होगी, ये लाइनिंग बन के आ रही है, ये हो गया। इसके लिए हम हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल विद कैनवा, ये हो गया। अब आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी। अब हाँ, यहाँ पे हम लोगो लगाएंगे। आपको अगर लोगो नहीं दिख रहे हैं किसी के भी यूट्यूब के या थम इंस्टाग्राम के, तो हम सर्च बार में इसे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे हमें लिखना होगा फेसबुक लोगो, इंस्टाग्राम लोगो और यूट्यूब लोगो, बट मैं मेरे पास हैं तो मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। मैंने ये यहाँ से लिए, लोगो हमेशा छोटी लगाने चाहिए। और फिर लेक हम लोगो लेंगे इंस्टाग्राम का, जब ये आपका बराबर हो जाए तो यहाँ पे एक लाइनिंग दिखेगी आपको, ये दिख रही होगी। अब बराबर हो गई है। अब फेसबुक का लोगो लेंगे हम, ऐसे भी यहीं पे लाके सेट करते हैं। ये यहाँ पे बराबर हो गया, बट ये बड़ा है अभी नीचे की साइड से, तो हम इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको बड़ा दिख रहा होगा ये। अब ये बराबर हो गया, लाइनिंग आ गई। अब हमें इसे थोड़ा इधर साइड पे लेना है हल्का सा। अब ये बराबर पे हो गए। और अगर आप फोटो लगाना चाहते हैं तो आपको पहले प्लस वाले आइकन पर जाना होगा, और यहाँ पे अपलोड्स में जाकर आपको जो भी फ़ोटो लेना है आप लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे बैकग्राउंड फ़ोटो का बैकग्राउंड ना शो हो, तो आप पहले गूगल पर जाएँ और वहाँ पर सर्च करें रिमूव बैकग्राउंड, तो आप अपना वहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन, वहाँ से रिमूव हो जाएगा बैकग्राउंड, और यहाँ पिक लगा देंगे तो आपका पिक सेम टू सेम ऐसा ही लगेगा। और फिर आपको इसे अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पे ऊपर एरो का निशान दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव अस इमेज लिखा आएगा, और यहाँ सेव का ऑप्शन आएगा। और जब आप सेव करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा, जैसे ही आपका सेव हो जाएगा ये बता देगा। अब शेयर भी आ गया है आपका, आपका फ़ोटो सेव हो चुका है। आप चाहें तो हो गया आपका थंबनेल तैयार, आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको बनाकर दिखाया है, वो भी कैनवा से, ये भी फ्री में यूज होता है। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली हमारी वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।